आज एक कितना खूबसूरत दिन है। दिवाली खत्म हो चुकी है, नवंबर का महीना चालू हो गया है और आज से कुछ महीनों बाद आप सभी की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। 11th वाले बच्चे 12th में चले जाएंगे, 12th वाले कॉलेज में, कुछ बच्चे अपना घर छोड़ रहे होंगे तो कुछ बच्चे कुछ नया ट्राई कर रहे होंगे। मतलब आज से कुछ महीनों बाद क्या होने वाला है वो अभी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, और ये बात कभी कभी हमें थोड़ा डरा देती है लेकिन साथ में हमें एक्साइट भी करती है। और इसलिए आज मैं एकदम डिफरेंट वीडियो के साथ हाजिर हो गया हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 11 लाइफ लेसन जो शायद मुझे आपकी उम्र में किसी ने बता दिए होते तो मेरी लाइफ बहुत ही शानदार हो जाती। तो चलिए सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। तो पहला लाइफ लेसन निकल कर आता है, लेट द लाइफ अनफोल्ड। अगर आप कभी भी अपने पास्ट पर रिफ्लेक्ट करेंगे तो आप नोटिस करेंगे जिंदगी में अक्सर वही होता है जो होना होता है। हम कितने भी हाथ पैर क्यों ना मार लें लेकिन जिंदगी किसी की नहीं सुनती। फ्यूचर बहुत अनसर्टेन अनप्रिडिक्टेबल है, हम उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और इसीलिए उस पर हमें ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। प्रेजेंट में जीना चाहिए और प्रेजेंट को बेहतरीन बनाना चाहिए। अगर आप आज को बेहतरीन बनाएंगे तो कल आपका अपने आप बेहतरीन होगा, और साथ में अपने फ्यूचर सेल्फ पर भी डाउट नहीं करना चाहिए। जब कल आज बनकर आएगा तो उस समय आप इतने काबिल होंगे कि आप उससे डील कर पाएंगे। तो अपने फ्यूचर सेल्फ पर डाउट मत करिए, लाइफ को अनफोल्ड होने दीजिए, फ्यूचर को लेकर रिजिड मत होइए। जो होगा अच्छा होगा, आप आज पर फोकस करिए। और इसके बाद फिर आपको मालूम है दुनिया का सबसे करेजियस एक्ट क्या होता है? मदद मांगना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हेल्प सीक करना वीकनेस है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया में जो लोग सबसे ज्यादा करेजियस होते हैं वही मदद मांग पाते हैं। तो अगर आप कभी भी खुद को ऐसी सिचुएशन में पाते हैं जहां पर आप अकेले उसे डील नहीं कर सकते तो हेल्प सीक करिए। हेल्प सीक करने में कोई भी बुराई नहीं है। और इसके बाद एक लाइन बहुत फेमस है, आपने सुनी होगी, कि मदद करने से कभी भी कोई भिखारी नहीं बनता। इसे हमेशा याद रखिए, दिल खोल कर लोगों की मदद करिए। ये मत बोलिए कि ये मेरे नोट्स हैं तो मैं किसी के साथ शेयर कर दूंगा तो वो टॉपर बन जाएगा, या फिर मेरा ये काम है किसी और को बता दिया तो वो आगे बढ़ जाएगा। अरे दुनिया में सभी के लिए जगह है, मदद करिए। मदद करने से कभी भी पीछे मत हटिए। अगर आप दुनिया को एक चीज देंगे तो 10 गुना वो वापस आपको मिलेगी। मदद करने से कभी भी मत कतराइए। और इसके बाद याद रखिए कि कभी भी अगर आपको डर लगे तो खुद से एक क्वेश्चन पूछिए कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है। मतलब मुझे इस चीज का डर लग रहा है, इसमें सबसे बुरा क्या होगा, और अगर वो सबसे बुरी चीज हो जाएगी तो क्या मैं उससे डील कर पाऊंगा, और अगर नहीं कर पाऊंगा तो डील कैसे कर सकता हूं। दुनिया में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सलूशन ना हो। और जब आप सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो का सलूशन फाइंड कर लेते हैं तो डर कहीं ना कहीं गायब हो जाता है कि मैं ये एक्शन लेने वाला हूं। सबसे बुरा ये हो सकता है, ये हो जाएगा तो इससे भी मैं डील कर लूंगा, तो अब मेरे अंदर कोई भी खौफ नहीं है। इस पॉइंट को हमेशा याद रखिए। और इसके बाद याद रखिए कि ये मोमेंट फिर कभी वापस नहीं आएगा। टाइम की वैल्यू करिए। आज आप स्कूल में हैं, ये स्कूल लाइफ एक समय बाद खत्म हो जाएगी, फिर सिर्फ रिग्रेट बचेगा कि काश थोड़ा सा एंजॉय और कर लिया होता। तो आज आप दोस्तों से मिल रहे हैं, दोस्त वापस नहीं आएंगे। आप स्कूल जा रहे हैं, शायद कुछ समय बाद आप वापस से स्कूल भी नहीं जा पाएंगे। तो इस समय आप अपनी फैमिली के साथ हैं, स्कूल में हैं, कहीं पर भी हैं, हर एक मोमेंट को एंजॉय करिए। एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। और अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि टाइम की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करिए। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो समय के आगे नहीं झुका। अगर आप नहीं झुकेंगे तो एक दिन समय आपको झुका देगा। एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, इसको वेस्ट मत करिए। आज नहीं तो कल समय आपके सामने आएगा और आपसे सवाल पूछेगा कि मेरा आपने कैसे यूज करा, क्या आपने मेरी अहमियत को समझा या फिर नहीं समझा। अगर आप समय की सुप्रीमेसी पहले ही समझ जाते हैं और उसके आगे झुक जाते हैं, उसको नमन करते हैं, तो समय आपकी इज्जत करेगा। लेकिन अगर आप समय की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल वो आपको तमाचा मारेगा और सिर्फ रिग्रेट आपके पास बचेगा। तो टाइम की वैल्यू जरूर से करिए। और इसके बाद जो अगला पॉइंट है, मैंने बहुत सारी वीडियोस में शेयर करा है कि अपनी आइडेंटिटी पर काम करिए। अगर आप अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो जिस दिन आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे आपका पूरा आइडेंटिटी ही खत्म हो जाएगा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं क्योंकि आप 11th में 12th में, तो ये क्लास खत्म होगी और आप वापस से आलसी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद की आइडेंटिटी पर काम करते हैं कि मुझे लाइफ में बेस्ट बनना है, मुझे अपनी वीकनेस
वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। मुझे इस काम में परफेक्ट होना है, तो इसका कोई एंड नहीं है। आपकी वीकनेसेस पर आप काम करते रहेंगे, कभी भी आप परफेक्ट नहीं होंगे, आप मेहनत करते रहेंगे। अगर आप आइडेंटिटी बनाते हैं कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप कभी भी एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ेंगे, आप लाइफ लॉन्ग पढ़ाई करेंगे। लेकिन अगर आप बोलेंगे मुझे तो एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, तो जिस दिन एग्ज़ाम्स आपके ख़त्म हो जाएंगे, आप वापस से डब्बा हो जाएंगे। तो अपनी आइडेंटिटी पर काम करिए कि आप खुद को जब आईने में देखते हैं तो आप क्या बोलते हैं कि मैं कौन हूँ। मतलब अगर आपकी इस बॉडी को आपसे अलग कर दिया जाए तो आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप कैसे चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें, कि वो बंदा बहुत मेहनती था या वो एग्ज़ाम के समय मेहनत करता था। खुद इस बारे में सोचिए और कॉमेंट्स में मुझे ज़रूर से बताइएगा। और फिर इसके बाद एक बहुत ही प्यारा पॉइंट है, आप वही देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं। अगर आपको लगता है दुनिया में बहुत उदासी है, सब आपके साथ बुरा करते हैं, तो सिर्फ ऐसे ही लोग आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि दुनिया खुशियों से भरी हुई है या हर कोई अच्छा है, तो आपको ऐसे ही लोग देखने को मिलेंगे जो आपके साथ अच्छा बिहेव करते हैं। मैं एक बहुत सिंपल सा आपको एक्टिविटी करने के लिए इंकरेज करता हूँ। आज एक कोई नया वर्ड आप पढ़ लीजिए जिसका मीनिंग आपको पहले नहीं पता था, और मैं एक पेपर में लिख के देता हूँ कि आज से कुछ दिनों बाद वो वर्ड आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि यूनिवर्स में मिरेकल हो गया, वो वर्ड आपके सामने आ गया। वो वर्ड हमेशा से वहीं पर था, बस आपकी निगाहें उसकी तरफ नहीं थी। तो अगर आप एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के साथ लाइफ को देखेंगे तो आप ग्रो करेंगे, लेकिन अगर आप एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव के साथ देखेंगे तो आप बुरा फील करेंगे। मैं टेलीग्राम पर अक्सर बच्चों से बात करता हूँ, और जब कभी भी मैं डालता हूँ कि आप कैसे हैं, तो मेजॉरिटी रिप्लाई नेगेटिव आते हैं। जिंदगी खराब है, दोस्त नहीं है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट रेयरली ऐसे बच्चे हैं जो लाइफ को अप्रिशिएट करते हैं। तो देखिए, मैं मानता हूँ कि लाइफ में सफरिंग है, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा खुश रह सकते हैं। लाइफ में उदासी भी आएगी, लेकिन उदासी में भी आपको एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखना चाहिए, आपको ब्राइट साइड पर ज्यादा देखना चाहिए। अगर आपका कोर पर्सपेक्टिव ही नेगेटिव है, तो लाइफ कभी भी पॉजिटिविटी आपकी तरफ लेकर नहीं आएगी, इस बात को याद रखिए। और फिर इसके बाद एक और बहुत प्यारी लाइन है कि यू आर इनफ। आपको किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, आप इनफ हैं। अगर आपके निगाहों में आपकी इमेज अच्छी है, उतना काफी है, तो किसी और के ओपिनियन से अपना दिल छोटा मत करिए। अगर आप खुद को जानते हैं, उतना इनफ है, आप अकेले इनफ है। खुद पर भरोसा करिए, फ्यूचर के खुद पर भरोसा करिए, पास्ट में जो गलतियां हो गई उसके लिए खुद को माफ कर दीजिए। यू आर इनफ, ये बात आपको पता होना चाहिए। और फिर इसके बाद मैंने लाइन लिखी हुई है कि हर एक इमोशनल प्रॉब्लम का एक ही टेम्पररी सोल्यूशन होता है। मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। आप टेंशन में है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई भी नेगेटिव इमोशन अगर आपके अंदर है, जिस समय उस समय दिमाग काम नहीं करता। जब वो इमोशन चला गया, उसके बाद बैठकर आप फिगर आउट कर सकते हैं कि इसके पीछे कॉजेस क्या हैं, और उन कॉजेस को अगर आप ठीक कर लेंगे तो वैसा फील नहीं करेंगे। लेकिन जब उन इमोशन से आप गुजर रहे होते हैं, तो उस समय ये चीज काम नहीं करती। तो उस समय जो बेस्ट चीज आप कर सकते हैं वो है इमोशंस को भाव ना देना। आपको एक स्टेशन में बैठना है, ट्रेन इमोशन की आएगी, रुकेगी और चली जाएगी, लेकिन जहां आप पैसेंजर बन गए, तो आपको नहीं मालूम अगला स्टॉप कब आने वाला है। आप सफर करते रहेंगे और आप पूरी जो पावर है वो इमोशन को दे देंगे। वो रुकेगा, आपको परेशान करेगा, लेकिन वो इमोशन आपके पास आया, आपने उसको भाव नहीं दिया, उसके बारे में नहीं सोचा, उससे डील करने की कोशिश नहीं करी, वो थोड़ी देर बैठेगा और वो चला जाएगा। तो स्टेशन में बैठिए, ऑब्जर्व करिए, कोई आ रहा है, रुक रहा है और जा रहा है, लेकिन पैसेंजर मत बनिए। और जब वो चला जाए तो फिर कॉजेस पर काम करिए। और इसके बाद मैं आखिरी चीज़ आपसे बोलना चाहता हूँ कि दुनिया ने इतनी चीज़ें आपको दी हैं, उसके बाद आप किस मुंह से और चीज़ें मांग सकते हैं। आप कभी भी बाहर जाइए, लोगों को देखिए, लोग कितना सफ़र कर रहे हैं। आपके पास घर है, फैमिली है, दो टाइम खाने के लिए खाना है, इसके बाद भी अगर आप रो रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं कुछ तो गलती कर रहे हैं, आप यूनिवर्स को अप्रिशिएट नहीं कर रहे। मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि आपको लाइफ को बेहतरीन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन इससे पहले आपको ये समझना चाहिए कि आपकी लाइफ पहले से बेहतर है, आप उसको बस बेहतरीन बनाना चाहते हैं। ये मत बोलिए कि आपकी लाइफ सही नहीं है। बाहर निकलिए, लोगों को देखिए, लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। इस यूनिवर्स ने आपको एक बहुत ही प्यारी जिंदगी दी है, तो उसे अप्रिशिएट करिए, उसे कभी भी नजरअंदाज मत करिए। बेहतर आपकी जिंदगी पहले से है, बेहतरीन बनाना आपकी
अपनी मर्जी, लेकिन कभी भी ये मत बोलिए कि जिंदगी अच्छी नहीं है। आई होप ये 11 लेसन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सारे बस मैंने दिल से लिख दिए, सुबह मैं उठा, मैंने इन्हें नोट डाउन करा, मैंने बोला 11वां महीना है, दिन बहुत अच्छा है तो वीडियो बना देता हूँ। मुझे मालूम है ऐसी वीडियोज़ में बहुत कम व्यूज़ आते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं ऐसी वीडियोज़ ना बनाऊँ। जो भी देख रहे हैं उन्हें ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। कॉमेंट्स में बताइएगा क्या आगे भी मुझे ऐसी वीडियोज़ बनाना चाहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप इस वीडियो के बाद आपके चेहरे पर एक स्माइल आई होगी और इस स्माइल को थोड़ा अपने साथ आगे लेकर जाइए। साइनिंग ऑफ गुरु भैया, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।